Dear students, today our topic is definitions of sports psychology. Definitions means describe exactly the nature or scope or statement of the exact meaning of a word, especially in a dictionary. That is called a definition of expressing the relations between part and whole sports psychology sports psychology is the is an interdisciplinary science that draws on knowledge from many related fields including biomechanics physiology kinesiology and psychology it involves the study of how psychological factors इफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इफेक्ट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चेंज द आइडियाज तो जो डेफिनेशनस हैं स्पोर्ट साइकोलॉजी के वो लोगों के जो आइडियाज हैं एक्सप्रेस हैं व्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं मीन्स आइडियाज क्या हो गए ए थॉट और सजेशन टू बी ए पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन एक्सप्रेस मीन्स थॉट इन टू वर्ड क्लियरली टू शो मैनिफिस्ट और रिवील टू एक्सप्रेस वंस एंगर पीपल्स नोशन नोशन मीन्स टू ए कंसेप्शंस अबाउट समथिंग ऑफ वैल्यूज वैल्यूज मीन्स द रिकॉर्ड दैट समथिंग इज हेल्ड टू डिजर्व इंपॉर्टेंस दैट इज कॉल्ड ए वैल्यू मेजर ऑफ लाइफ मेजर मीन इज द सर्टन द साइज अमाउंट ऑफ समथिंग इट इज देअर फोर नॉट पॉसिबल टू गिव वन डेफिनेशन ये मुमकिन नहीं है कि एक ही डेफिनेशन देने से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो उससे एक्सप्लेन हो जाएगा डिफरेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैिवन डिफरेंट डेफिनेशन अलग अलग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या हो गए साइकोलॉजिस्ट मीन एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दी हुई हैं दीज डेफिनेशन और एज लिस्टिड बिलो अकॉर्डिंग टू ब्रॉनी एंड मेहोनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल्स ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन तो ये एक किस्म की क्या है एप्लीकेशन है किसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हो गए and learning motivation social and emotional dimensions context and learning and assessment is called psychological principles to sports and physical activity physical activity is defined as a bodily movement produced by skeletal muscles is called physical activity at all levels of skill improvement. All levels mean Harshtarpar, skill improvement. Skill improvement means the ability to adopt a systematic approach is called skill improvement. According to K. M. Burns, sports psychology for physical education is that branch of psychology. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन मीन्स इट एम्स टू डिवेल्प स्टूडेंट्स फिजिकल कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन इज दैट ब्रांच ब्रांच मीन्स डिवाइडेड इंटू वन और मोर सब डिविजन्स दैट इज कॉल्ड ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी की क्या शाखाएँ हैं एंड प्रिंसिपल्स which deals with the physical fitness physical fitness means is a state of health and well-being and more specially the ability to perform aspects of sports and daily activity is called physical fitness of an individual individual means a single person through his participation in games and sports participation means the action to taking part in something, games, the activity that one engages in for fun, that is called games and sports. An activity involving ex exertions that is called a sports. According to John Luther, sports psychology is an area which attempts to apply psychological facts and principles. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन एरिया एरिया मीन्स ए रीजन है विच अटैम्प्टीन्स मेक एन एफर्ट्स कोशिश हो रही है टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अप्लाई मीनस मेक ए फॉर्मल एप्लीकेशंस दैट एप्लीकेशन इज़ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस फिनमिना एज वेल एज फीलिंग एंड थाट

वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है ह्यूमन बिहेवियर क्या है इज द पोटेंशियल एंड एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन होल फील्ड ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स होल मीन्स कंप्लीट फील्ड मीन्स एरिया ऑफ स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू सिंगर सॉरी अकॉर्डिंग टू क्लॉर्क एंड क्लॉर्क स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन अप्लॉयड साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड अप्लाइड मीन्स मेक ए फॉर्मल एप्लीकेशंस जो साइकोलॉजी क्यों है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन एप्लाइड साइकोलॉजी वो एक फॉर्मल एप्लीकेशंस है इट इज़ मोर कंसर्न विद द पर्सनैलिटीज ये पर्सनैलिटीज से रिलेटेड है मीन्स द करेक्टरिस्टिक्स सेट्स ऑफ बिहेवियर emotional patterns that evolve from biological and environmental factors that is called personalities emotional aspects means ish, emotional aspects kya hoge? athletes as well as sporters can experience many emotions including joy sadness anger fear anxiety shame or guilty and pride That is called a emotional aspects of sports and physical activities. Physical activity is a bodily movement produced by skeletal muscles. According to Singer, sports psychology encompasses various branches of psychology as they are related to our ability to understand athlete performance. एन कॉम्पासिस होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ सराउंडिंग मीन्स किसके इर्द गिर्द है वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं सब डिविजन्स हैं इसकी एज दे आर रिलेटेड टू अवर एबिलिटी एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी से रिलेट करती है टू अंडरस्टैंड उसको समझते हैं एथलीट परफॉर्मेंस एथलीट परफॉर्मेंस मीन्स वन हु इज ए ट्रेंड और स्किल्ड इन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्मेंस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड साइकोकल्चरल फैक्टर्स दैट इज़ कॉल्ड ए एथलीट परफॉर्मेंस हाउ टू मेक इट बेटर बेटर मीन्स टू मेक ए गुड किस तरीके से हम उसको अच्छा बना सकते हैं एंड हाउ टू इम्प्रूव एक्सरसाइज प्रोग्राम्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम को हम बेटर कैसे कर सकते हैं तो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स क्या हो गए थ्रू वन पर्सन थ्रू द ट्रेनिंग टू ट्रेन ट्रेंड अकॉर्डिंग टू और एन सिंगर एन कॉम्पोसिस रिसर्च एन कॉम्पोसिस मीन्स हो गया सराउंडेड रिसर्च मीन्स टू systematic investigation into, into and study of materials and sources in order to establish facts that is called a research. Counseling Counseling means give advice to someone relating to educations or give professional help and advice educational means relating to education and practical activities practical activities means trained by practice with understanding understanding means some there is something logic explaining explaining means make clear to someone kisi ko theek theek saaf saaf kisi ko kuch batana and influencing influencing means the capacity to have effect on the character सेलेक्टेड बिहेवियर्सटेड बिहेवियर्स हो गए चूजन वे इन विच वन एक्ट और कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल मीन ए सिंगल पर्सन एंड ग्रुप्स इन्वॉल्व इन हाई लेवल स्पोर्ट्स ग्रुप मीन्स ए नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल्स इन्वॉल्व मीन्स इंक्लूड इन हाई लेवल स्पोर्ट्स हाई लेवल स्पोर्ट्स मीन्स उच्च स्तर का खेल जहां पर होता है रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स recreational means or a competitive physical game such as basketball or baseball that are played for fun that is called a recreational sport exercise means activity requiring physical effort that is called a exercise and other vigorous activities means require highest amount of oxygen during performing jumping and swimming extra according to american association sports psychology as the study of psychological and mental factors uh, sports psychology is the study of psychological and mental factors means having a mental rather than a physical cause Mental factors relating to aspects of the mind and ability to color the mind and mental factors that influenced influenced means the capacity to have an effect this mental effects ka asar padta ho by participation mean taking part in competing sports activities and performance in sports performance in sports means Sports performance is the manner in which sports participation is measured. Exercise and physical activities. Physical activities is defined as a bodily movement. According to American Association, sports psychology are also involved in assisting coaches in working with athletes. Sports psychologist. तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मीन्स जो एक्सपर्ट हैं स्पोर्ट्स के और ऑल्सो इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है इंक्लूड असिस्टिंग होती है हेल्प करते हैं किसको कोचीज्थ को कोचिज को कोचिज कौन होते हैं कोच इज ए पर्सन इन्वॉल्व इन द डायरेक्शन इंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टीम और ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पीपल इज कॉल्ड ए कोचिज इन वर्किंग विद द एथलीट्स जो एथलीट्स के साथ काम कर रहे हैं एथलीट्स मीन्स द पर्सन हु टेकिंग इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और अदर इवेंट्स दैट इज कॉल्ड एथलीट्स एज वेल एज हेल्पिंग इम्प्रूव दियर एथलीट्स मोटिवेशन उसके साथ साथ वो मदद करते हैं इम्प्रूव मीन्स वेटर करने में किसमें एथलीट्स की मोटिवेशंस एथलीट्स मोटिवेशन क्या होता है टू बिकम द बेस्ट एथलीट यू कैन वी